इधर जी छोटा सा बच्चा कपड़े सिलाई कर रहा है। वाओ, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत मेहरबानी। सुबह का टाइम है, रात को तकरीबन 1 बजे काफ़ी ज़्यादा बारिश होनी स्टार्ट हो गई एकदम से, काफ़ी टाइम पड़ती रही। काम वगैरह तो ख़त्म कर लिया है लेकिन काफ़ी मुश्किल था, चूकड़ बन गया हर जगह ही सब, और पाई भी काफ़ी मुश्किल से चारा काट के लाए हैं। हमारी तरफ तो फिर भी खैर है, आसपास जो है सिटीज़ में सियालकोट वगैरह काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फसलों में पानी भर भर के बाहर निकल रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश। अभी ठंडी हवा चल रही है, नेक्स्ट जो एक वीक है ये बारिशों वाला ही है। मैं तो अपना खाना खाने लगा हूँ जी। ये खाने में है जी कुछ कीमा और साथ में मैंने बकरे का शोरबा ऐड किया है, तो ज़बरदस्त डिश बन गई मेरी। तो रात को ही मामूजान आए हैं हमसे मिलने और लाए हैं कुछ जी फ्रूट। हाय हाय हाय, बड़े बड़े आम, इतना बड़ा आम। ये सेब माशाल्लाह, और ये फूटे हैं जो बच गई थी वो पड़ी हैं, मैं सेब खाने लगा हूँ। और आड़ू भी पड़े हैं। अभी चूजे टके हुए हैं, एक दो दिन तो हमने काफ़ी ज़्यादा खुले छोड़े, काफ़ी चला फिरा इन्होंने। बुझाने कहा कि काफ़ी इनका वजन हो गया है, अभी कौवे नहीं लेकर जाएंगे। तो 5 से फिर से 4 हो गए, एक को फिर से उठा के ले गए अम्मी जान ने, छोड़े और बाहर गई और एक ले गया कौवा। अभी नहीं छोड़ने, कभी रिस्क नहीं लेना। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें छोड़ें छोड़ें लेकिन नहीं। खाना खाने के बाद जानवर हमारे बैठ चुके हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बादल छाए हुए हैं, मज़ेदार। आज तो भाई सो के बुरा हाल हो गया। अभी जुमा की तैयारी करते हैं, कपड़े ले लिए हैं। One hour later. के साथ वाले की दुकान जो है किराए पे दी हुई थी वो तो छोड़ गया, कारोबार नहीं चला। भी सारी इसकी सफाई होगी, काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ गया है अंदर सारा, ये फूल वगैरह नीचे बिखेरे हुए हैं। और ये दो लड़ियाँ छोड़ गया, ये तो हमारा ही है पहले ही। एक बहुत ही बेहतरीन हमें जो है छोटी सी बुक मिली है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, ये हम साथ लेकर जाएंगे। आज जुमा की वजह से काफ़ी दुकानें बंद हैं, ये साइड से तकरीबन सारी बंद है, एक ये दुकान खुली है और एक ये, बाकी भी सारी बंद। इधर जी छोटा सा बच्चा कपड़े सिलाई कर रहा है। वाओ, छोटे भाई का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बोतल में लिया है। ले जी केचप भी साथ में डालेंगे, गार्लिक चिली सॉस। निकलो, घर में आते ही मिल गए हमें नमकीन चावल माशाल्लाह। क्यों लग रहे जी? छोटे बाइक में बिल्कुल पेट्रोल कम हो गया था, ख़त्म है जो लेकर आए थे, अभी इसमें डालेंगे भाई, बोतल डाल दें। कुछ दिन भाई पहले ही चप्पल लेकर आए हैं घर पहनने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो गया, पता नहीं किस तरह की बनाई हुई थी। अभी दोबारा से चले हैं सिटी, लेकर आते हैं और कुछ घर का सामान। फ्रीज़र बंद कर दिया, हबस बनी हुई थी तो फिर इसकी धुलाई तो अंदर से कर दी है, अभी खुला रहे हवा वगैरह लगे इसको। अभी बाटा के प्लाजे में गए थे, काफ़ी प्राइसेस हैं तो भाई सोच रहे हैं लेनी या नहीं, देख लें भाई। फाइनली जी दो जूते ओके करवा लिए हैं, डाल लें शॉपर में। थोड़ा चल फिर के चप्पलें मिली हैं क्योंकि जुमा की वजह से अक्सर दुकानें जो है बंद है, वो एक बैठा हुआ एक इधर, विदाउट गरी के और ही मज़ा आएगा। इन भाई का काफ़ी अच्छा काम है, उधर कोने वगैरह और आइसक्रीम निकालते हैं, इधर स्लश लगाया हुआ है डिफरेंट फ्लेवर में, जो भी ले काफ़ी इनका सेल होता है सब चीज़ें। हमने चेरी की फसल लगाई है, छोटी छोटी है, उसको काफ़ी ज़्यादा कीड़ी पड़ गई है, तो भी भाई गए हैं स्प्रे लेने, तो स्प्रे उसको छोटी कोई की जाएगी फिर बड़ी होगी, नहीं तो वहीं पर ख़राब हो जाएगी। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा आज गुजरा है, फिर से ऊपर से जो है बादल इकट्ठे होना हो गए हैं स्टार्ट। बाल भाई सब काफ़ी स्पीड से ग्रो करते हैं, अभी ईद से पहले कटवाए हैं तकरीबन 15 दिन हुए होंगे और फिर से वही हाल हो गया सर के, माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े आड़ू हैं।
ज़बरदस्त। इधर उधर से कोई चीज़ खाने से बेहतर है कि कोई फ्रूट वगैरह खा लें, चाहे थोड़ा खा लें। अभी आड़ू लेंगे या खाना है मज़े का आड़ू। काफ़ी देर से घर से निकले थे, काफ़ी अभी तो टाइम हो गया है, सूरज भी हो चुका है ग़ुरूब। अभी जल्द से जल्द घर पहुंचेंगे शाम से पहले पहले। अभी हमारे तीन मेन काम थे करने वाले, एक तो भाई की चप्पल लेना और दूसरा स्प्रे और तीसरा जो है खाद लेना। भाई की चप्पल का काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम था जो कि भाई दो तीन दिन से कह रहे थे कि लेकर आनी है। ये तो तभी इसकी वैरायटी का पता चलेगा जब दो चार दिन पहनी जाएगी कि क्या क्वालिटी हमें मिलती है। स्प्रे भी ले ली है, एम एम एक्शन काफ़ी ले लिया है, इस बार दो तीन बार फिर कर लेंगे, बार बार नहीं लानी पड़ेगी। और एक काम खाद का जो कि बीच में ही रह गया, सोना यूरिया खाद लेनी। मर्ची वगैरह कहते थे कटवाते हैं, वो नहीं काट रहे, कह रहे हैं पीछे से शॉर्टेज है, 10 से 15 दिन बाद आएगी जी, कहीं और से पता करेंगे तो मिलती जा रही कहीं से। तो अम्मी जान की ये टेबलेट्स जो कि अभी लेकर आए हैं, अम्मी जान चेंज करती रहती हैं, जो भी मुनासिब लगे तबीयत को ठीक रखे वही खाती हैं। शुगर की टेबलेट्स भी काफ़ी टाइम हो गया है, काम वगैरह भी करने वाला पड़ा है। आज सिटी चले गए तो व्लॉग एडिट करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, व्लॉग मेरा एडिट हो चुका है, ये क्लिप लगाने हैं और ओके यही है मेरी छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।